हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है M70 टेक में। मैं आमिर खान एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में एक और खूबसूरत सा प्रोडक्ट लेकर, जो है वीवो की तरफ से वीवो Y73। सो दोस्तों, मिड रेंज फ़ोन है, काफ़ी कमाल सा खूबसूरत सा दिखने वाला फ़ोन है, और सबसे कमाल की बात है ये आपको 25,000 या 30,000 के बीच में 8GB रैम और 128GB स्पेस वाला फ़ोन आपको मिलेगा। इसका कैमरा भी काफ़ी दमदार है, अल्ट्रा गेमिंग मोड भी इसमें है। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू। सो दोस्तों, मैं जैसे ही इस फ़ोन के कवर को हटाता हूँ तो मुझे मिलता है एक और बॉक्स, और इसमें इसकी प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसपेरेंट सा सिलिकॉन केस दिया गया है, और उसके साथ कुछ मैनुअल गाइड्स, इमिजेटर पिन, और सामने मेरा फ़ोन दिखता है, मैं इसे रखता हूँ साइड में, और इसके साथ USB टू टाइप सी केबल मिलेगा आपको, 3.5mm का वीवो का हेडफोन, जो काफ़ी कमाल की बात है 3.5mm, और वीवो का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर टाइप सी। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आती हैं बॉक्स में। दोस्तों, ये हमारा फ़ोन, मैं हटाता हूँ इसके ऊपर की प्लास्टिक को। अगर आप देखेंगे तो ये पीछे काफ़ी खूबसूरत सा एक डायमंड फिनिश का इसका डिज़ाइन दिया गया है, वीवो की ब्रांडिंग मिलेगी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 कैमरे दिए गए हैं, और उसके साथ LED फ्लैश है। अगर मैं इसके बॉडी की बात करूं तो इसकी बॉडी है 161x74, और जो इसका, ये काफ़ी स्लिम है, 74mm का आपको मिलेगा, और जो इसका वेट है 170g का है, और डुअल सिम नैनो सपोर्ट करता है। और दोस्तों, इसके डिस्प्ले की बात करूं, AMOLED डिस्प्ले आपको मिलेगा, और जो इसका साइज़ है 6.4 इंचेस का है, और जो इसमें रेजोल्यूशन मिलेगा 108x2400 pixel का मिलेगा। मैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो इसमें एंड्रॉयड 11 मिलेगा, वीवो का फन टच 11.1 का UI मिलेगा, और इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है MediaTek Helio G95 यूज़ किया गया है, और जो CPU है ऑक्टा कोर का यूज़ किया गया है, और GPU माली G76 का यूज़ किया गया है। और दोस्ततों, इसमें जो कार्ड स्लॉट है microSD डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, आप इसमें मेमोरी ऐड कर सकते हैं, और इंटरनल स्टोरेज 128GB है, और 8GB रैम के साथ आता है। दोस्तों, इसमें देखेंगे बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा दिया गया है, 64MP वाइड, 2MP मैक्रो, 2MP डेप्थ दिया गया है, LED फ्लैश आता है इसके साथ, और इसमें सबसे कमाल की बात 4K वीडियो शूट कर सकते हैं एट 30 फ्रेम पर सेकेंड। और अगर मैं इसके सेल्फी कैमरे की बात करूं तो फ्रंट में 16MP वाइड मिलेगा आपको, जो सेंटर में यहां पे नॉच पे दिया गया है, और इससे भी आप 1080x30 फ्रेम पर सेकेंड की वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर मैं इसके बैटरी की बात करूं तो इसमें आपको 4000mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलेगी, और ये फास्ट चार्जिंग 33W सपोर्ट करता है, और वीवो क्लेम करता है 30 मिनट में 61% चार्ज हो जाता है, तो जो काफ़ी कमाल की बात है। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ इसकी बैटरी से, इसमें 5000mAh बैटरी रहती इस प्राइस रेंज में तो अच्छा रहता। दोस्तों, ये वीवो का काफ़ी खूबसूरत सा दिखने वाला फ़ोन, काफ़ी दमदार है, वीवो ने इसका नाम दिया है डायमंड फ्लेयर, और इसमें एक रोमन ब्लैक भी आता है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, और ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, जिसकी डिटेल मैंने आपको दे दी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, और बेस्ट डील के लिए रिदम इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी अवेलेबल है, कृष्णा टेलीकॉम पर भी अवेलेबल है, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं, उसकी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो दोस्तों, जाने का वक्त आ गया, आप बताइए ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।